अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला की रहमत शबनम बनकर आपके गुलिस्तान हयात पर हमेशा बरसती रहे और अल्लाह ताला आपको तंगियों, तकलीफ़ों और तमाम तर परेशानियों से बचा के रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन सुम आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? जनाब जुमे का दिन है ये और इस वक्त हम लोग खड़े हैं एक मिट्टी के बर्तनों के बाहर, दुकान के बाहर। जो मेरी नंद है ना, उनका बेटा जो है वो उसने अब दांत निकालने शुरू कर दिए हैं। तो इनके यहाँ शायद कोई रस्म होती है कि जब बेबी ननियाल के यहाँ आके दांत निकालता है ना, तो उसमें मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में कुछ मेवा भर के देना होता है। तो आज वो वापस जा रही थी फैसलाबाद, तो दी को ये करना था। सो अभी हमने जो वो दिन का आगाज़ इससे किया है, दोपहर के शायद बज रहे हैं 11:30-12 और हम लोग निकल आए थे जल्दी। एक ने भी जल्दी से नहा लिया था, आसान को भी मैंने फ्रेश कर दिया था, खुद भी मैंने जब वो शॉवर लेके ड्रेस अप हो गई थी और वो हमने ले लिया है। उसके बाद जनाब हम लोग आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, हालांकि बड़ी मज़े की रस्म लगी थी मुझे और मुझे दिखाना चाहिए था आप लोगों को। शायद आप लोग भी मुझे बताइएगा आपके यहाँ ऐसा होता है क्या। खैर वो हम लोग घर गए, हमने वो दे दिया और वो चली गई मेरी जो नंद है। सो अब हम फिर दोपहर को बाहर आए हैं कुछ देर वहाँ गुजारने के बाद। तो समझ में आ रहा था छुट्टी है, फ्राइडे है, तो क्या करें, कहाँ जाएं। मैं देख कहती थी घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी कुछ ख़ास। तो दी कहती थी कि नहीं, थोड़ा सा निकलते हैं, घूमते फिरते हैं। और फिर यहाँ पर जो ना गन्ने के रस की ना मुझे एक रेड़ी नज़र आई, रेड़ी। तो मैंने देखते कहा चलो ना गन्ने का रस पीते हैं, क्योंकि आजकल जो ना मुझे तरह तरह के जूसेस पीने हैं। मेरे जो बाल है ना वो हद से ज़्यादा गिरना शुरू हो चुके हैं। जाहिर है कि मैंने सुना था कि बेबी के बाद जब वो गिरते हैं, और अब जब वो टाइम आ गया है कि मेरे बाल जो है हद से ज़्यादा गिरना शुरू हो चुके हैं और मुझे जो है ना वो जूसेस और इस तरह की चीज़ें पीनी हैं ताकि जो है वो हमारे बाल ठीक हो जाए। और ये रहा मेरा शहजादा, आज इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वीडियो 2-3 दिन पहले की है, तो मैं बताती हूँ ना कि मेरे व्लॉग एक्चुअली लेट होते हैं, मैं थोड़ी लेट हूँ। सो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है, मेरा बेबी भी ठीक है, हम भी ठीक हो गए हैं काफ़ी हद तक। बस थोड़ी सी खांसी है जो जाते जाते ही जाती है, आप लोगों को पता है। सो बस अभी हम अपने गन्ने के रस का इंतज़ार कर रहे हैं। जनाब हमारे गन्ने का रस जो है वो आ चुका है। मैंने सुना है कि गन्ने का रस जो है ना वो पीना बहुत अच्छी चीज़ है, इसको पिए। तो इस वजह से जो है ना मैंने फिर ये आज अतीक से कहा अतीक पीते, अतीक मेरे से तो पिए नहीं जा रहा यार। ले नहीं ना, ये ले जनाब हमारा गन्ने का रस तैयार है। गर्मी जी बैठे ऐसी ऑन कर ली है। नहीं है जरूरत। तो बंद करो, ये मेरा मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, अब हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड, वहाँ पे मैंने एक डील है वो लेनी है। तो चले देखते हैं हमें क्या मिलता है, लेट्स गो। चलो ठीक है, मुझे पकड़ा दे, चलो चलो बेटा। ये देखो ये देखो, चलो बेटा वो देखिए हम जा रहे हैं। आप भी क्या खाना है? मैं बेटी थी क्या खाना था मैकडोनल्ड से? तो मैकडोनल्ड में जाते जाते रास्ते में मुझे ना जो ये नजर आई रेडी फ्रेंच फ्राइज की, तो मैंने कहा कि प्लीज मुझे ना ये लेनी है। तो यहाँ पे रुक गए हम लोग, खा रहे हैं ये आलू वाली चिप्स।
तो साथ में गोलगप्पे भी बन रहे थे, मतलब मिल रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ जो चिकन रोल खाया था। तो अभी हम जो है वो मैकडोनल्ड्स के करीब तरीन पहुंच रहे हैं। वो देखिए आपको मैकडोनल्ड्स का एम नजर आ रहा है ना, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स क्या होता है ये भी बताओ, आज मैं कहां से तुम्हें लेके आया? आज ये मेरी बचपन के घर के सामने से मुझे लेके आए। कह रहे थे कोई बात नहीं, आज ससुराल के सामने से गुजर के जाते हैं। मैंने कहा नहीं, चलें कोई नहीं, क्या पुरानी यादें ताजा करवाती हैं, जहां मेरे बचपन की रातें और दिन गुजरे हैं, कहां कहां मुझे घुमा रहे हैं। हम ना ड्राइव थ्रू से लेंगे, एक जायज के साथ कोई डील है, पता नहीं, एक वाउचर कोड मुझे सेंड किया उन्होंने, वो हम उनको बताएंगे तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो चले देखते हैं कौन सी डील मिलती है मुझे, मैंने भी एड देखी थी तो देखते हैं। आप ही चले साथ साथ, अभी पता चल जाएगा। कैमरा मैं ऑन ही रखती हूँ। अच्छा बाय द वे, ये ड्राइव थ्रू में हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। ऐसे ही है ना, फिर यार आगे चले गए होती का, आप क्या हो गया, ये ड्राइव थ्रू है क्या हो गया? अच्छा सॉरी, तुम भी ना पता नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है, बहुत फ्री हो जाती हो, एक्स्ट्रा तुम ना वो हो जाती हो। जी नहीं, हाँ जी, आप इनसे पूछना क्या ना कि वो जो डील नहीं है जैस के साथ जो एक वाउचर कोड सेंड करते हैं, पता नहीं तो वो क्या डील है। ठीक है, वो सेंड कोड मेरे पास आया है ना, प्लीज ऑर्डर एट स्पीकर, यहाँ पे आप ऑर्डर करना है, आप यहाँ पे, ये इधर। जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वो जो जैज का जो कोड आ रहा है, क्या कोड आ रहा है? नहीं मतलब जैज के साथ एक वो है जिसमें वाउचर कोड सेंड करते हैं जब 631 डायल करके, वो कोई है डील इस वक्त अवेलेबल, वो वाली जो को वाउचर कोड उनको उन्होंने हमें दिया हुआ है आपका, ये इनसाइडेड होगा वो, इनसाइडेड होगा मतलब समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं आप? जी सर डाइनिंग में आ जाएं, डाइनिंग में आ जाएं। अच्छा वो ड्राइव थ्रू नहीं है, चले ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिर अब नहीं, नहीं तो फिर रहने दो, हम खाना खाएंगे वहां से, ये तो मेरे पास कोड आया हुआ है वो वाला। ये मुश्किल मुश्किल काम करवा रही है, बस अब यहाँ से ये अपना ऑर्डर ले लें हम निकल जाएंगे। क्यों हम ना मैकडोनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में खड़े होके हम क्या खा रहे हैं, अधिक दिखाए ना, हेलो जी, लाइट ऑन करके दिखाए, नजर नहीं आ रही, ये ऐसे खोल के दिखाए ना यार, ये पसंद है यार, इसे खोलो तो सही प्लीज यार, मेरे हाथ फ्री नहीं है हसन बेटा, मेरी जान इसको छोड़, मेरे बच्चा, बाय बाय जाओ तो। इतने बड़े बड़े ये आलू के चिप्स है ना, एक खाई नहीं जाती यार, ये गिर रही है, हसान ने गिरा दी। मैं अभी ना जी अतिक थोड़ी देर इसको उठा ले यार, मैंने कब से उठाया है प्लीज, तो मैं गाड़ी भी तो चला रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बस मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अभी ना हम खाने का वेट कर रहे हैं और बहुत ही मजेदार सा खाना हमारा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।
मोहम्मद हसन छोटा सा बिल्ला अभी दाम कलवा के बैठा मेरा बेटा। हाँ इसको तो ज़रा नजर लग गई थी इसी वजह से शायद। अब उसके बाद तो माशाल्लाह से शुमाइलियाँ दे रहे हैं और उसके बाद से माशाल्लाह से ये देखिए जरा इसके काम चेक। सो भी गया था और माशाल्लाह जरा उसके बाद से ये है। अच्छा जी वहाँ पे हमारा कहीं खाना हमने ऑर्डर किया है इधर नहीं उधर उधर बाबा योनस के पास। इतनी दूर तो ये है मेरी शॉपिंग दीदी। नी 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 ये है मेरा प्यारा सा गुड्डा। चले बाकी खाना आता तो मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी हाँ जनाब हम लोग घर पे आ गए और घर आने के बाद जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो थोड़ी देर के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो विंटर के लिए कुछ जो मुझे कपड़े लेने थे तो वो मैंने ख़रीदे हैं 3-4 सूट लिए हैं। अच्छा कोई कमेंट आए हुए थे अतीक की वीडियो पर कि ये जो कपड़े हैं ना ये इतने अच्छे वाले नहीं हैं आप लाइम लाइट से लें। तो बिल्कुल मैं आपको एक बात बताती हूँ मुझे ना कैजुअल ड्रेसेस चाहिए थे तो सीधी सी बात ये है कि लाइम लाइट जो है वो मैं कैजुअल लेने के लिए तो लाइम लाइट बिल्कुल भी नहीं लेती। हाँ अगर कोई सेल वेल चल रही हो तो फिर इंसान ले लेता है। तो ये भी अच्छे हैं स्टफ़ काफ़ी अच्छा है इनका कीमत इनकी मुनासिब है। कोई जो 1500 का था कोई 1600 का कोई 2200 का और कोई 2500 का बस इस रेंज में है ये कपड़े। तो ये जो है ना मरीना में है और एम्ब्रॉयडर्ड है इसमें जो है ना वो ऐसे कढ़ाई हुई भी है और अच्छा मजबूत कपड़ा है लेकिन ना घर में पहनने के लिए मैं समझती हूँ कि ये ठीक है। सो लाइमलाइट से नहीं लिया एक लोकल शॉप से लिया था और मुझे शॉप का नाम नहीं आया लेकिन देखें इसके साथ कितनी अच्छी शॉल है लाइट वेट भी है और गर्म भी है क्योंकि आगे जो ज़ाहिर है मौसम जो वो ठंडा हो जाएगा। और इसका जो ट्राउज़र है वो है मरीना का शर्ट भी मरीना की है और वूल की शॉल है और अच्छा लगा था मुझे तो खैर ये ड्रेस भी। और उसके बाद जनाब इसको साथ साथ पैक भी कर रही हूँ क्योंकि बाद में पैक भी मैंने खुद ही करना है इसलिए मेरी कोशिश है कि साथ साथ ही कर लूँ। उसके बाद जनाब ये वो कह रहे थे कि ना ये खाड़ी का है खाड़ी का और फर्स्ट कॉपी है नहीं खाड़ी का नहीं है सॉरी निशात लिनन का है और ये तो खैर बहुत ही अच्छा स्टफ था ना इसका और मेरा ख्याल है ये 2200 में मुझे मिला है और ये लीलन स्टफ़ है साथ में इसके शॉल है। अच्छा मैंने घर पे आके मुझे पता चला कि इसका जो कलर है ना वो थोड़े दोनों के सेम हो गए हैं तो अब कोई बात नहीं अब तो आ गए। इसके साथ भी ये देखिए शॉल है अच्छी है बहुत अच्छी है लाइट से मेरा दिल चाहता है कि लाइट वेट कपड़ा हो और ना मतलब अच्छा भी हो वो बहुत वजनी जो ना वो नहीं कैरी किए जा सकते और पता नहीं अभी तक सर्दियाँ ही नहीं आ रही हैं कब आनी है सर्दियाँ। तो खैर जनाब उसके बाद ये है दूसरा ड्रेस उसके बाद जो है ये थर्ड वन है और ये लीलन है इसके साथ जो है वो इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ये तो बिल्कुल ही शायद सस्ता था ना ये शायद 1600 रुपीज़ वाला ड्रेस है। तो फिर से कहूँगी कि घर पे पहनने के लिए मेरा ख्याल है इनसे अच्छे और कोई नहीं होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड से ही लें हर तरह के पहनने चाहिए और मैं हर तरह के पहनती हूँ तो इस वजह से जो है वो ये मैंने लोकल शॉप से लिए हैं। उसके बाद जो एक है मैंने प्रिंटेड लिनन का लिया है ये भी मेरा ख्याल है 1600 में मुझे मिला था और इसकी लिनन काफ़ी अच्छी है तो मुझे अच्छा लगा था। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ना एक किड्स मॉल की ओपनिंग हुई है रिसेंटली हमारे बिल्कुल करीब ही तो वहाँ पे मैं गई थी वही विंडो शॉपिंग के लिए गई थी तो मुझे हसन के लिए रोम्पर्स चाहिए थे क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना तो कोई भी अगर शलवार कमीज पहनाए या कुछ भी ड्रेस पहनाए तो उसके नीचे पहनाने के लिए तो ये रोम्पर्स मैंने ले लिए थे। उसके बाद जब वही मैंने रबर बैंड लिए थे बालों के लिए उसके बाद एक कैप ली थी मैंने हसन के लिए 350 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छी कैप मिली यूनिवर्सिटी रोड पर जो है ये किड्स मॉल है यहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं यहाँ पे और मुझे प्राइसेस भी इनकी जो है ना वो मुनासिब लगे। ये मुझे स्पूंस भी लेनी थी और कलर चेंजिंग स्पून है ये जब अगर खाना ज़्यादा गर्म है तो उनके कलर चेंज हो जाएगा 190 रुपीज़ में मुझे ये मिली है। और
उसके बाद जी यहाँ पे हम आए थे अतीक के फ्रेंड की शॉप है, बेडशीट्स वगैरह थी यहाँ पर, तो मैंने कहा चलें अतीक बेडशीट वगैरह देख लेते हैं कोई, तो मैं देख रही थी लेकिन जी फिलहाल कोई जो है ना वो मज़ा नहीं आया, मतलब मज़ा नहीं आया कि आउट ऑफ रेंज थी मैं तो बस ऐसे ही जब वो ये कह लेंगे यहाँ पे विंडो शॉपिंग की और उसके बाद हम लोग घर आ गए। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।